केट यू कोपा के 16 पेपर सोल्व कर रहे हैं, अभी तक 6 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो 6 सारे पेपर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो विजिट कर लें। उसके बाद भी अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप परचेस कर सकते हैं ओनली 39 रुपी में। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको 8000 प्लस कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट MCQs दिए जाएंगे। वो सारी की सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का निचोड़ रहेगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। पहला क्वेश्चन है, सरप्लस बजट क्या है? सरप्लस बजट व्यय से अधिक राजस्व है। केरल का एक विशिष्ट नृत्य रूप है मोहिनी अट्टम। सरकार किस नीति के माध्यम से सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन करती है? राजकोषीय नीति के माध्यम से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन करती है। बेट .BAT एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइलों को संदर्भित करता है? सिस्टम फाइल को संदर्भित करता है। वॉकी टॉकी किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? ये हाफ डुप्लेक्स है। हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर हार्डवेयर। अर्थशास्त्र के नोबल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई कौन हैं? अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र के नोबल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई कौन हैं? अमर्त्य सेन है। भारत में अधिकांश राज्यों के नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? मेयर। निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता एक नहीं है? सोडियम की संयोजकता एक है, फ्लोरीन की एक है, लिथियम की एक है, लेकिन बेरिलियम की संयोजकता एक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा टेलीग्राफ का आविष्कारक है? सैमुअल मोर्स टेलीग्राफ का आविष्कारक है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। MS PowerPoint में स्लाइड शो को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की प्रेस की जानी चाहिए? स्केप ESC। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्युत्तर सही है? आप इसको सोल्व करो और इसका आंसर चेक करो। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आप इसके अक्षर देखो और देखो कि ये सारे अक्षर किसी 3 में आ सकते हैं और 1 में नहीं आएगा। जिसमें नहीं आएगा वही पूछा गया है, मतलब किसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो आपको वही आंसर फाइंड करना है। निम्नलिखित में से कौन सा टेलीग्राफ का आविष्कारक है? सैमुअल मॉर्स है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण है। करमुरा लोंगा निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? हल्दी का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? सिलिकॉन एक उपधातु है, याद रखना। द्विआधारी योग में 1+1 से क्या प्राप्त होगा? 1। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ये आपका काम है। रमन कक्षा 10वीं का छात्र है, उसकी कक्षा में उसकी स्थिति शीर्ष से 16वें स्थान पर है और नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है? चलो ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। रमन कक्षा 10वीं का छात्र है, उसकी कक्षा में वह उसकी स्थिति ऊपर से 16 है और नीचे से वही स्थिति काउंट कर ली है, 49वें स्थान पर है। तो देखो, ऊपर से 16 भी काउंट कर लिया और नीचे से 49 भी काउंट कर लिया। तो पहले आप इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 9 और 6 15 के 5, हासिल का आया 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6 65। लेकिन आप ये बात ध्यान रखो कि इसको ऊपर से भी काउंट कर लिया इस बच्चे को और नीचे से भी काउंट कर लिया, मतलब कि इसकी जो भी पोजीशन है इस पोजीशन को 2 बार काउंट किया है, जबकि हमको एक ही बार काउंट करना है क्योंकि छात्र तो एक ही है। इसका मतलब आप इसको 1 घटा दोगे तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा? 64, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है,
यदि LAME को ODPH में लिखा जाता है तो बताइए कि MALE को किस प्रकार लिखेंगे। पहले इनका तरीका देखो कि ये किस प्रकार से जुड़े हैं, उसी प्रकार फिर मेल को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग मैच करो। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो आप प्लीज़ शेयर करना ताकि हम इसे अपडेट कर सकें। यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करना क्योंकि इनमें टाइम लगता है। 1, 2, 3, 4 ये चारों क्वेश्चन आप बनाएंगे। वर्तमान प्रविष्टि को चुने गए सेल की श्रेणी में रखने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल करेंगे, याद रखना शॉर्टकट की आप अच्छे से याद करना। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व पेपर ख़त्म होने के बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाऊँगा जिसमें शॉर्टकट की रहेगा, वायरस, एंटीवायरस, वेब ब्राउज़र और अपना सर्च इंजन, इनकी सारी लिस्ट हम देखेंगे। सेल में कमेंट जोड़ने का क्या तरीका होगा? ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा चेक करना, कन्फ्यूज़न में है। हालांकि इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने डिलीट किया था। HTML में कितने प्रकार के टैग होते हैं? HTML में दो प्रकार के टैग होते हैं। HTML में BGC LOR इक्वल टू विशेषता किसके लिए प्रयोग की जाती है? वेब पेज पर बैकग्राउंड कलर लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने के लिए कितना समय लगेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे आप बनाने का कोशिश करें। अगर नहीं आएगा तो हम इसको मैथ्स की सीरीज़ में प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप मैथ्स की सीरीज़ भी देख रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि मैथ्स के 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे जो कि ईजी आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कम्युनिकेशन डिवाइस है? मॉडेम 26 का बी आंसर इज करेक्ट। सबसे पुराने गणना उपकरण कौन सा होगा? अबेकस। आप URL टाइप करने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं और वेब पेज प्रदर्शित कर सकते हैं या संबंधित वेब पेजों की सूची प्रदर्शित करने के लिए एक कीवर्ड टाइप कर सकते हैं? सर्च। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? C++, जावा और सी सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा क्योंकि सारे विकल्पों में से ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है जो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्राम का दस्तावेजीकरण महत्वपूर्ण है ताकि उपयोगकर्ता प्रोग्राम का उपयोग करना सीख सकता है, अन्य प्रोग्रामर यह जान सकते हैं कि प्रोग्राम को कैसे बनाए रखा जाए, प्रोग्रामर यह देख सकता है कि त्रुटि के स्रोतों के लिए हंटिंग करते समय कोड क्यों लिख सकते हैं, मतलब कि सारे ऑब्जेक्टिव सही है। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर निर्देशों को एक सेट के रूप में क्या बोल सकते हैं? एक प्रोग्राम कहा जा सकता है। जॉयस्टिक अलाइनमेंट फिर से ये क्वेश्चन देखो। जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा? Ctrl+J, क्योंकि जस्टिफाई में देखो J आता है, एक साउंड निकलता है, तो आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तार्किक संचालक नहीं है? ये क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा हटाया गया है। MS Excel में ये क्या दर्शाता है जो लिखा है यहाँ पर? हैश। कॉलम चौड़ा होना चाहिए। एक शॉर्टकट की है जिसका उपयोग अक्सर विंडोज़ में प्रोग्राम विंडो, टैब या डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है। Ctrl+W एक शॉर्टकट की है जिसका उपयोग अक्सर विंडोज़ में प्रोग्राम विंडो, टैब या डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है। Ctrl+Shift+ESC का शॉर्टकट की जिसका उपयोग MS विंडो में किसके लिए किया जाता है? टास्क मैनेजर के लिए किया जाता है। Ctrl+Shift+Escape की का इस्तेमाल टास्क मैनेजर को खोलने के लिए किया जाता है। कट कॉपी पेस्ट होम टैब में किस ग्रुप में हैं? क्लिपबोर्ड में रहते हैं। जावा स्क्रिप्ट कोड स्टिपेट को कॉल करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा? फंक्शन विधि का इस्तेमाल किया जाएगा। जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे कॉल करें?
ओपन टेक फंक्शन का नेम लिखो, क्लोज टेक, और यहाँ लिखा है पैरामीटर लिस्ट को सिलेक्ट करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है? टीबी, टेराबाइट। ये सीरीज आप अच्छे से ध्यान रखना। जब कंप्यूटर चालू होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तब क्या होता है? बूटिंग की प्रोसेस होती है, मतलब ठीक है। यह निर्धारित करने के लिए नीचे दी गई सूची में उपयुक्त भाग चुनें कि क्या चर एक्स नल के बराबर नहीं है। इफ़ एक्स इक्वल टू नल आप ऐसा लिखोगे तो ये इसके बराबर नहीं है। एक कीबोर्ड हम इस तरह का डिवाइस मान सकते हैं, इनपुट डिवाइस। पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए संक्षिप्त कुंजी क्या होगी? कंट्रोल प्लस जे। जब आप सूचना को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो इसे हम कहाँ रखेंगे? क्लिपबोर्ड में रखेंगे। एक एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? वर्कशीट का संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ के लिए एक टैग होगा? पैराग्राफ का पी, ओपन टैग, और जो भी आपको पैराग्राफ लिखना है वो यहाँ लिखेंगे, और क्लोज टैग लगाएंगे जिसमें स्लैश का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित सूची में ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होगा? इफ स्टेटमेंट। डिजिटल प्रूफ प्रिंट का वर्णन करो। एक व्यक्ति का सभी इंटरनेट डेटा जो डेटाबेस में रखा जाता है। निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट कोड का आउटपुट क्या होना चाहिए? 16। नेटवर्क के प्रवेश और निकास बिंदु के रूप में क्या कार्य करता है? गेटवे, ध्यान रखना। वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया? वर्ल्ड वाइड वेब किससे बना है? लाखों वेब पेज से। चर या स्थिरांक घोषित करने के लिए कितने जावास्क्रिप्ट कीवर्ड की आवश्यकता है? 3। साइबर सुरक्षा द्वारा क्या संरक्षित है? इंटरनेट से जुड़े सिस्टम सुरक्षित हैं। क्लाइंट टियर किस इंटरफेस का हिस्सा है? यूज़र। प्रोग्राम एक लूप में एग्जीक्यूट होता है जब ब्रेक जैसे स्टेटमेंट, व्हाइल, फॉर, डू व्हाइल और एनहांस फॉर जैसे के लूप के अंदर समाहित होते हैं। एग्जिट। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है? अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, जियो मार्ट है, लेकिन उडेमी नहीं है। अब ये आप सर्च करो कि उडेमी है क्या। निम्न कथनों में से कौन सा गलत होगा? देखो, एमएस एक्सेल फाइल में डॉट पीपीटी एक्सटेंशन यूज़ नहीं होता, ये पीपीटी का है, पावर पॉइंट का है, ठीक है। अब आपको यह सर्च करना है कि एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होगा, वो आप देखो और कमेंट में हो सके तो बता सकते हैं। अपग्रेड के स्थान पर नए कंप्यूटर पर विंडोज़ 10 की नई इंस्टॉलेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ये क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा हटाया गया है, लेकिन आप इसका आंसर सोल्व करने की कोशिश करना। आपको ऑब्जेक्ट तक पहुँचने और प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति कौन देगा? स्टार्ट मेनू। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग तकनीक का उपयोग स्टैटिक वेबसाइटों के निर्माण के लिए नहीं किया जाता? निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग तकनीक का उपयोग स्टैटिक वेबसाइटों के निर्माण के लिए नहीं किया जाता, मतलब कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं होगा। प्रस्तुति के लिए किस मूल कस्टम शो का उपयोग किया जाएगा? स्लाइड का सबसेट। लेन देन प्रक्रिया चक्र में पहला चरण कौन सा होगा? डेटा एंट्री। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग दस्तावेज या दस्तावेजों में टेक्स्ट को स्थानांतरित करने या डुप्लीकेट करने के लिए नहीं किया जाता? निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग तकनीक का उपयोग स्टैटिक वेबसाइटों के निर्माण के लिए नहीं किया जाता? इंटरनेट बैंकिंग से विपणन का अर्थ क्या होगा? इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग लेनदेन के उपयोग का विपणन करना।
क्रिप्टोग्राफिक प्रणाली में कमजोर करने के लिए किस प्रकार का हमला संभावित परिणामों की एक बड़ी संख्या का उपयोग करता है? क्रिप्टोग्राफिक प्रणाली में कमजोर करने के लिए ब्रूट फोर्स मेथड, इसका हमला संभावित परिणामों की एक बड़ी संख्या का उपयोग करता है। हीप फाइलों में रिकॉर्ड किस में रखे जाएंगे? अनियमित क्रम में। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के संबंध में सूची 1 की शॉर्टकट की सूची 2 में इसके कार्यों के लिए होती है, आप मैच करो। चलो मैं बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल यहाँ पर रीस्टोर विंडोज टू प्रीवियस साइज करने के लिए होता है। शिफ्ट प्लस F10 का इस्तेमाल क्यों होगा? डिस्प्ले कंटेंट मेनू को बताने के लिए। अब बताओ F5 का इस्तेमाल क्यों होगा? स्लाइड शो शुरू करने के लिए। अल्ट प्लस जी का इस्तेमाल डिज़ाइन टैप करने के लिए। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अवांछित या अवैध ईमेल संदेशों को अक्सर किस रूप में संदर्भित किया जाता है? स्पैम में। खोजने से क्या मिल सकता है? सब कुछ मिल सकता है। फार्मूलों में निश्चित कालम या पंक्तियों को निर्दिष्ट करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग होगा? डॉलर साइन का, याद रखना। सी, बेसिक, कोबोल, जावा, ये सब किस भाषा का उदाहरण है? हाई लेवल लैंग्वेज। अंश अपने डॉक्यूमेंट में एक ही फॉर्मेटिंग को अलग अलग जगहों पर दोहराना चाहता है, वह इसकी मदद ले सकता है स्टाइल का। वॉकी टॉकी निम्नलिखित में से किस ट्रांसमिशन मोड का उदाहरण है? हाफ डुप्लेक्स है। 78 का सी आंसर इज करेक्ट। HTML में टाइप चेकबॉक्स का उपयोग किसके लिए होगा? एक से अधिक विकल्पों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में ATM का अर्थ क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी डिजिटल सिस्टम का आधारभूत बिल्डिंग ब्लॉक है? लॉजिक गेट। MS वर्ड में लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? अल्ट प्लस इंटर। मैकअप OS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता है? एप्पल। निम्न में से कौन सी मेमोरी पावर खो जाने पर डेटा खो देती है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU के क्रमबद्ध 3 कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? फेच करना, डिकोड करना और निष्पादित करना। प्रमाणीकरण की असीमित क्रिप्टो सिस्टम की तैनाती और हैश फंक्शन का उस पर प्रभाव पड़ेगा, उसे हम किस रूप में जान सकते हैं? डिजिटल हस्ताक्षर। macOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्नलिखित में से कौन निर्माता है? macOS, एप्पल। कंप्यूटर शब्दावली में KYC का अर्थ क्या होता है? नो योर कस्टमर। जंक ईमेल को किस रूप में जानते हैं? स्पैम। एक CD के साथ आप पढ़ और लिख सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या तो लिख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हटाया था, लेकिन इसका दोनों आंसर होगा, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, क्योंकि हम पहले हम लिखते हैं उसके बाद ही तो इसे पढ़ा जा सकता है। निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट का आउटपुट क्या होना चाहिए? शॉर्ट। कस्टम शो डायलॉग बॉक्स में शो के नाम पर क्लिक करने और फिर शो पर क्लिक करने के बाद क्या परिणाम आएगा? कस्टम शो का पूर्वावलोकन करने के लिए वापस हम क्लिक करते हैं। PDOS को अन्य किस रूप में जानेंगे? फ्लैशिंग के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर और मॉनिटर दोनों।
कंप्यूटर जो कुछ भी टाइप कर सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है या एक कंप्यूटर सिस्टम को प्रेषित किया जाता है। इनपुट ई कॉमर्स में EDI का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। निम्नलिखित में से किसे किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान, क्षति पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है? साइबर हमले को। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम या उसके पास मौजूद डेटा को चुराने, जासूसी करने, नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने का प्रयास माना गया? साइबर हमला। नेटवर्क पर प्रत्येक NIC और मशीन की विशिष्ट पहचान करने में क्या मदद करता है? MAC एड्रेस, मैक एड्रेस। ये चिन्ह क्या वर्णन करता है? घातांक, जो घात लगाते हैं। यदि सेल A1 और सेल A2 खाली है तो निम्नलिखित सेल A1 गुणा A2 सूत्र का मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है उसमें। इस प्रकार हमने आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। 2 सोल्ड पेपर और बचे हैं और ये सारे सोल्ड पेपर आप कंप्लीट कर लोगे। अगर आप फिर भी इसकी PDF चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।